आई थिंक ये एंगल ठीक है. हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे. काफ़ी अजीब सा इंट्रो था ये, इट्स ओके. अच्छा वाला इंट्रो शूट करते हैं. हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे. एंड आई होप आप लोग मुझे भूले नहीं होंगे. मैं अभी भी जिंदा हूँ, मतलब हूँ मैं बनाती हूँ वीडियोज़ अभी भी. काफ़ी दिन हो जाते हैं, बट इट्स ओके, थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट करना. तो आज मैं करने जा रही हूँ मैगी चैलेंज. ये जो इंट्रो है मैं रात में शूट कर रही हूँ. सुबह से मेरा चैलेंज चल रहा है, लेकिन इंट्रो मैं अभी शूट कर रही हूँ. सुबह करनी पड़ी थी, मैंडेटरी है इंट्रो शूट करना, तो मैं कर रही हूँ. देख लेना, शांति से ये मत बोलना कि आपने ये 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 टाइम पे ये किया, वो टाइम पे वो किया. इसलिए पहले बता रही हूँ कि ये इंट्रो मैं रात में शूट कर रही हूँ. एंड अभी देखो आप स्टार्टिंग से देखो, मैं तो जा रही हूँ अपना डिनर बनाने, लेकिन आपको शुरू से पूरा दिखेगा. सुबह मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे लेट हो रहा था. सो चलिए, मैं आज करने वाली हूँ 24 आवर्स मैगी चैलेंज. एंड मैं मैगी नहीं खाती हूँ, बहुत ही बहुत बहुत रेयर खाती हूँ. एंड आज मैं वही करने वाली हूँ. सो लेट्स सी चैलेंज कैसा जाता है. इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. बहुत सारे और चैलेंजेस किए हुए हैं मैंने. सो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, जाइए नहीं, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को स्टार्ट कर. कैसा है? सो यस, आई हैड माई ब्रेकफास्ट. वो मैगी थी. एंड मैं मैगी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी. वो भैया बहुत अच्छी बनाते हैं. हमारे ऑफिस के बाहर एक स्टॉल है, वो बनाते हैं. सो गाइज, राइट नाउ इट्स 7 o'clock एंड जो मेरा ऑफिस है वो ओवर हो चुका है. मैं जस्ट अपने रूम जाऊंगी एंड होपफुली मैं मैगी बना पाऊंगा. दिन में जो मैंने मैगी खाई थी वो बहुत ज़्यादा ओवर हो गई थी, मतलब मुझे अच्छी नहीं लग रही थी. भैया मैगी का पैकेट देना, 10 वाला. 12 वाला होगा. हाँ 12 वाला दे दो. सो यस गाइज, आई एम बैक टू माई पीजी का रूम. एंड मैं अपने लिए मैगी मैं ऑलरेडी ला के रखी हुई. मेरा एक पार्सल आया है, मैं दिखाती हूँ क्या पार्सल है. मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए. मैंने खुद यूज़ नहीं किया है, बताऊँगी क्या है अभी दिखाती हूँ. बट उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि मुझे मैगी बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं बहुत बहुत रेयर खाती हूँ, बट स्टिल मैंने सोचा कि चलो यार कुछ चेंज लाते हैं. मैंने 110% अपना ट्राई किया. जब मेरा वो सुबह ब्रेकफास्ट वाली मैगी थी, जो मेरी स्ट्रीट मैगी थी, वाज अमेजिंग, यम, बहुत अच्छी बनी थी वो. देन उसके बाद जो मैंने लंच में अपने जो ऑफिस का जो कैफेटेरिया था वहाँ से ली थी, इट वाज ओके. लेकिन उस टाइम मैं ऊब चुकी थी मैगी खा के, मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा था. जब तक मैंने लंच और ब्रेकफास्ट था ना, तब तक मुझे बहुत भूख लग रही थी. लेकिन जब वो मैगी खाई तो मुझे मेरी भूख ही मर गई, मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा. लेकिन स्टिल मुझे थोड़ा बहुत कुछ खाना पड़ेगा रात में, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगी. इतनी भूख नहीं लग रही, बट स्टिल कुछ खाने के लिए मैं लेकर आई हूँ. मैं आपको पार्सल दिखाती हूँ क्या आया है. मैंने ये मंगवाया था, ये क्या है, डर्मा सक्शन. बताऊंगी मैंने कहाँ से कैसे परचेस किया. ऑल दो अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है. इट्स वर्किंग आउट, इट्स वर्किंग. देखा आपने, अभी देखूंगी मैं यूज़ करके कैसा है. बताना आप लोगों को वीडियो इसका चाहिए या नहीं चाहिए. आज वाली वीडियो का इमोजी यहाँ पे आ जाएगा, ज़रूर बना देना नीचे कॉमेंट सेक्शन में. एंड चलिए चलती हूँ, मैगी बनाती हूँ. मैंने इंट्रो भी शूट नहीं किया एंड ये जो मैगी है मैं अकेले नहीं खाऊंगी, मेरी फ्रेंड्स भी खाएंगी, मैं अकेले नहीं खा पाऊंगी ये. तो चलिए चलते हैं, फटाफट से मैगी बनाऊंगी, खाऊंगी एंड मस्त सोऊंगी. फिर यार मैगी तो उसने बनाई थी सुबह, एक अर्जुन टी स्टॉल करके है ऑफिस के बाद, बहुत शानदार. बस मुझे उसी की मैगी अच्छी लगी. सुंदर लग रही हूँ मैं, मैंने कुछ भी नहीं किया बना रही है ना. तो मैं कुछ भी नहीं, ऑफिस से आई हूँ सीधा, और क्या किया मैंने. मेरा भाई खाता है मैगी से रोटी, ब्रेड से रोटी, ब्रेड
ब्रेड से रोटी कैसे खाते हैं? ब्रेड से रोटी कैसे खाते हैं यार? मैगी से। हाँ, ब्रेड और मैगी। सो फाइनली मेरी जो डिनर था मैगी वो हो चुका है। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि मैं मैगी खाती नहीं हूँ, ऊपर से सारे मील्स में मैगी खाना थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे नहीं पता आप लोग खा सकते हो या नहीं खा सकते, मैं नहीं खा सकती, मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आप लोग खा सकते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे अभी काफ़ी अजीब लग रहा है एंड बस दैट्स इट फॉर दिस चैलेंज। एंड कुछ और मुझे सजेस्ट करो, लेकिन अच्छा सजेस्ट करना यार, मतलब मुझे बहुत आई कांट एक्सप्लेन। अगर समझ रहे हो तो समझ जाना, कुछ और अच्छा एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ और अच्छा सजेस्ट कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करना। लेकिन कुछ ऐसे ही सजेस्ट करना, कुछ प्रैक्टिकल सा जो मैं ईजीली अपने पीजी में या फिर अपने ऑफिस वगैरह में कर पाऊँ। सो यस, कॉमेंट सेक्शन में, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ज़रूर कॉमेंट करके बताना। एंड अभी मैं जो मेरा आया था डर्मा सक्शन, वो मैं ट्राई करूँगी वो डिवाइस। वीडियो चाहिए ज़रूर बताना, मैं खुद मतलब बनाना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइप सुना है इस डिवाइस के बारे में, मुझे नहीं पता ये काम करेगा नहीं करेगा, लेट्स सी एंड फिंगर क्रॉस्ड के काम कर जाए, मतलब मुझे काफ़ी सारी होप्स हैं उससे। आई डोंट नो, आई लेट यू नो गाइज। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों ने वीडियो इन्जॉय किया हो, इफ किया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डू दिस। सो कुछ भी ऊपर नीचे हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, एंड स्टे ट्यून्ड गाइज, बाय बाय। सजेस्ट ज़रूर करना, बाय।